और बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले जबरदस्त हिंसा की खबरें आ रही हैं। ढाका जा रही बेनापोल एक्सप्रेस में आग लगा दी गई, आग की चपेट में ट्रेन के 4 कोच आ गए। हिंसा में 4 लोगों की मौत की भी खबर है। बांग्लादेश में 7 जनवरी को चुनाव होना है और शेख हसीना की वापसी तय मानी जा रही है, क्योंकि विपक्षी दल बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार किया है। बीएनपी ने बांग्लादेश में 48 घंटे के बंद का भी ऐलान किया है। और हम चल सकते हैं अपने सहयोगी सौरभ गुप्ता के पास जो फोन लाइन पर मौजूद हैं। सौरभ, सबसे पहले तो ये चौथी बार अगर इस तरह के जो हालात हैं और विपक्ष ने हिंसा के बाद जो कहा है कि वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, तो शेख हसीना की चौथी बार वापसी तय मानी जाए? देखिए, ये बात तो जरूर है कि चुनाव में शेख हसीना के वापस हफ्ते पे लौटना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश का, जैसे आपने कहा, जो मुख्य विपक्षी दल है उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है। अब उनका मांग था कि चुनाव के दौरान जो सत्ता है वो एक इंटरिम सरकार के पास चली जाए, लेकिन इस मांग को माना नहीं गया और उसके बाद उन्होंने चुनाव को बहिष्कार भी किया है और आज हड़ताल का ऐलान भी किया है। तो ऐलान तो किया है और कल रात को चुनाव के पहले जो एक डर था कि एक हिंसक स्थिति बन सकती है, उसका एक एग्जाम्पल हमको उसका ही एक उदाहरण देखने को मिला जब बेनापोल एक्सप्रेस जो बेनापोल जो जोशोर में है वहां से ढाका आ रही थी, उस ट्रेन के 4 डिब्बों में आग लग गई। पुलिस सूत्रों अनुसार ये पता चल रहा है कि उन्होंने कुछ सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है और उन्होंने कार्रवाई भी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ के जो एक सिक्योरिटी है उन्होंने भी एक ऑपरेशन चलाया है, रेल लाइन के आसपास के इलाके से कुछ ऐसे इंप्रोवाइज्ड जो एक्सप्लोजिव होते हैं पेट्रोल बम जैसे, तो उसमें वो उस टाइप का कुछ एक्सप्लोजिव भी रिकवर हुआ है। आशंका यह है कि शायद ये भी कोई आर्सन के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे थे और इस सिलसिले में 3 लोगों को डिटेन किया गया है, ऐसा खबर आ रहा है। लेकिन चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव कल होने वाला है और रविवार को सुबह से शाम को 4 बजे तक चुनाव प्रक्रिया चालू रहेंगे। उसके बाद चुनाव प्रक्रिया खत्म होने के तुरंत बाद जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगा और कुछ ही घंटों में रिजल्ट क्या है वो भी पता चल जाएगा। कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, करीब करीब 70,000 जो सिक्योरिटी फोर्सेस उतारे गए हैं और साथ साथ आपका जो बांग्लादेश के सारे पैरामिलिट्री ऑक्सिलरी और पुलिस फोर्सेस है सबको चुनावी सुरक्षा के लिए जमीन पर उतारा गया है। बिल्कुल। और चुनाव का प्रक्रिया कल रविवार को होने वाला है, लेकिन उसके पहले एक जरूर आशंका का माहौल तैयार हुआ है इस घटना के बाद। बिल्कुल, बांग्लादेश में करीब 12 करोड़ मतदाता जो हैं कल चुनाव में हिस्सा लेंगे। 300 पार्लियामेंट्री सीट हैं, वहाँ पे वोटिंग होगी और शेख हसीना की जो पार्टी है आवामी लीग, उसकी वापसी चौथी बार तय मानी जा रही है और इस बीच हिंसा की भी खबरें आई हैं।